गेहूं की निर्यात मांग अभी भी जोरदार बनी हुई है। मंडियों में गेहूं के भाव 2500 से 3000 तक देखने को मिल चुके हैं और कहीं कहीं तो दाम इससे भी ज़्यादा हैं। इससे मध्य प्रदेश के बाजार की नज़र अब सरकार पर है। ताज़ा स्थिति में गेहूं के दाम ऊंचे बने हुए हैं। मालवराज गेहूं में निर्यातकों की खरीदी से मजबूती है। कारोबारियों के अनुसार अगर सरकार महंगाई रोकने खास तौर पर गेहूं के लिए कोई कदम उठाती है तो ही बाजार में नरमी आ पाएगी, वरना आगे लोकवन गेहूं और महंगा बिकता दिखेगा। अभी व्यापारियों और किसानों ने माल रोक लिया है, वेयर हाउसों में जगह नहीं है। ऐसे में वे मंडी में माल बेचने आ रहे हैं जिन्हें या तो जगह नहीं मिल पा रही या फिर धन की तंगी है। गेहूं की निर्यात मांग ज़्यादा होने के चलते गेहूं के दाम मंडियों में बढ़े हैं, जिससे इसका आटा भी महंगा हुआ है और इसका असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।